वकास भाई, अगर आप रात को अकेले होते इधर पंचवीर राक्स में, आपके पास एक टेंट था, पानी पीने के लिए पानी और एक लाइट आपके साथ वगैरह, आपके अलावा कोई भी नहीं था, आप क्या सो जाते? आप क्या कर सकते हो? नहीं, टेंट बंद करके सो जाते? नहीं, सो जाते मगर नहीं, अकेले अकेले आप इधर कैंपिंग नहीं कर सकते? क्यों अकेले नहीं कर सकते? मतलब साथी वगैरह होने चाहिए। अच्छा, ये कि अगर आप करें तो आग वगैरह जला ले, जंगली जानवर वगैरह आ सकते। कोई ऐसा हुआ क्या हुआ है आपके? बंदर सिंदर तो बहुत है, बंदर तो हर जगह होते हैं, हमारे घरों में भी है शायद। अच्छा, सुना है कि नहीं, इधर टाइगर नहीं है, ये टाइगर है मालूम नहीं, नहीं है। वकास भाई खुद कहते हैं इधर नहीं, इधर खुद गांव आए, टाइगर होता है, टाइगर आए थे और एक बच्ची, ये नीचे वाला एरिया अगर आप चला रहे ना, एक बच्ची तो इधर बनना होना चाहिए एक आधा। ये जो नीचे वाला एरिया ना, ये सारा उजाड़ है, मतलब इधर आबादी नहीं है। हाँ बिल्कुल, तो है भी इस तरह का कि इधर उनकी मौजूदगी जरूरी है। जी जी, होंगे इधर, खैर इधर टाइगर वगैरह। दूसरी बात ये ना, आजकल कुछ चीजें बनी है नहीं, एक टीजर होती है, टीजर टीजर गन भी होती है और टीजर होते हैं खाली करंट स्पार करने वाला, उसका मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है। तो वो जब देता है ना वोल्टेज, जब वो आपस में इतना स्पार करता है, उसकी बड़ी साउंड होती है वो। इवन की अगर अच्छा वाला हो ना, 5-6 हजार वाला, वो अगर आप उधर दबाएंगे ना, तो ये पूरा इलाका उसकी आवाज होने का, मतलब वो ट्र इस तरह आवाज होता है। और वो अगर किसी को लग जाए, मतलब आप जैसे आदमी को लग जाए, आप 30-40 सेकंड के लिए अपाहज हो जाएंगे। अच्छा, करंट जब फैलता है ना, डीसी का करंट होता है ना, डायरेक्ट करंट, आप समझते होंगे, वो अपाहज कर देता है। ये नहीं समझता यार, इस तरह हो जाएगा निजाम। वो अगर आप पास रखें तो आप रात को स्टे भी कर सकते हैं, गंगा चोटी है उधर, मैंने 2 रातें गुजारी हैं मुख्तलिफ मौसमों में, सर्दियों में भी गर्मियों में भी, अकेला सोता रहा हूँ मैं रात को, एक बार टेंट में एक बार बगैर टेंट के, हकीकत है ये। अच्छा, मैं बगैर टेंट के, बगैर टेंट के इस तरह सोते ना, जिसमें ये घास है ना तराई में, आप एक स्लीपिंग बैग रख लें, प्लास्टिक शीट रख लें, स्लीपिंग बैग इस तरह होगा, ठीक है, उसको इस तरह रखें, प्लास्टिक शीट भी इस तरह फेर लें, इसमें सोएं, प्लास्टिक शीट ऊपर से नीचे कर दें। रात को बारिश वारिश भी जो होगी ना, क्योंकि वो उतराई में होगा, इस तरह वो बारिश आपके नीचे से निकल जाएगी, जो ऊपर पड़ेगी वो उधर निकल जाएगी, इस तरह भी बंदा सर्वाइव। बस एक टीजर होना चाहिए आपके पास, और एक और नई चीज़ है, वो होती है पेपर स्प्रे, काली मिर्च का स्प्रे होता है या सुरख मिर्च का, दूर से तकरीबन 2-4 मीटर स्प्रे करती है वो, जो होती है बड़ी पंजट होती है, उससे बहुत चुभन होती है नाक वगैरह में, उससे भी जानवर भाग जाते हैं और टीजर से भी। वो रख लें तो कहीं भी बंदा अकेला रह सकता है, बस जिगरा होना चाहिए थोड़ा, मम्मी डैडी नहीं होना चाहिए। घर में आपको खाना भी मिलता है, रोटी भी मिलती है, सोना भी मिलता है, वॉशरूम भी मिलता है, हर चीज मिलती है। तो अगर आप ये सारी फैसिलिटीज इधर ढूंढते हैं पहाड़ों पर, तो आपको बेहतर आप घर रहा करें। अगर बाहर आते हैं तो फिर बाहर जिस तरह का माहौल होता है उसी तरह सर्वाइव किया करें, ताकि आपको पता लगे ये चीज क्या है। इधर आकर टेंट लगाकर मजबूत द्वार खड़ी करके रहने के, 5-6 सिक्योरिटी गार्ड के आप सारे नहीं, एक बात आपने जो कही है टीजर वगैरह के बारे में, छोड़ें जी, वीडियो बंदी रहेगी।